आरएमएस टाइटैनिक डूबा, यकीनन ये बहुत दर्दनाक घटना थी, पर मुझे और मुझ जैसे कई लोगों को ये किसी हिस्ट्री की बुक की वजह से नहीं बल्कि डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन की बनाई एक मूवी जिसका टाइटल था टाइटैनिक उससे पता लगी। किसी रियल लाइफ दुर्घटना पे बनी ये कोई पहली मूवी नहीं थी, मगर ये सिनेमाटोग्राफी की दुनिया में आज तक मास्टरपीस मानी जाती है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाइटैनिक के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और अगर तो आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करना चाहूंगा ये मूवी। इस फैक्ट्स को देखने के बाद शायद आपका देखने का एक्सपीरियंस शायद थोड़ा और अच्छा हो जाए। मूवी टाइटैनिक डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन के अब तक के शायद सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक था, इसलिए एटलीस्ट रिलीज तक वो अपने फैंस से इसको सीक्रेट रखना चाहते थे। इसलिए डायरेक्टर ने और उनकी टीम ने इसे एक नकली नाम से वायरल कर दिया जो था द प्लैनेट आइस, क्योंकि इस मूवी के दौरान बहुत सारा बर्फ और बहुत सारा पानी का इस्तेमाल भी हुआ तो लोगों ने इसे मान भी लिया। आपने रोज की वो पेंटिंग वाला सीन तो जरूर देखा होगा, क्यों नहीं, कुछ लोगों ने तो शायद सिर्फ इस सीन के लिए पूरी मूवी देख डाली होगी। अगर तो आप भी इस धोखे में हैं कि उस पेंटिंग को किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने बनाया तो मैं आपको बताना चाहूंगा तो आप भी गलत हैं बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि इस मूवी में जो पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया वो किसी और ने नहीं बल्कि डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने खुद बनाई है। मतलब वो क्या ही इंसान है यार, जितना आप उनकी मूवी मेकिंग के लिए उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं उतना ही शायद उनकी पेंटिंग के लिए भी। रोज की उस पेंटिंग को 2011 में $16,000 में किसी ऑक्शन में बेच दिया गया। क्या होता अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता और हर स्क्रिप्ट के डायलॉग बिल्कुल सही बोले जाते तो हमें कुछ ऐसे शानदार आइकॉनिक सीन्स और डायलॉग वापस देखने को नहीं मिलते जो कि हमें देखने को मिले, जैसे कि पेंटिंग का वो इनिशियल सीन जिसमें एक्चुअल स्क्रिप्ट के अनुसार डायलॉग था लाई ऑन द बेड, पर गलती से एक्टर से बोला गया लाई ऑन द काउच, और डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन को ये भी अच्छा लगा और उन्होंने इसे स्क्रिप्ट के अंदर इन्वॉल्व कर लिया। आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, ये शानदार और आइकॉनिक डायलॉग हमें देखने को ना मिलता अगर सब कुछ स्क्रिप्ट के अनुसार होता, क्योंकि एक्चुअल स्क्रिप्ट के अनुसार द डायलॉग वाज जस्ट फकिंग सेलेंट, और शायद ये उतना अच्छा लगता भी नहीं जितना वन ऑफ द मूवीज मोस्ट आइकॉनिक सीन जिसमें रोज ने अपने फियोंसे पर थूक फेंक, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, पर स्क्रिप्ट के अनुसार रोज अपने फियोंसे को हेयरपिन से स्टैब करने वाली थी ना कि थूक फेंकने वाली। मैथ्यू मैकनेहे वॉज द फर्स्ट चॉइस ऑफ स्टूडियो, बल्कि उन्होंने केट के साथ एक जॉइंट ऑडिशन भी दिया था, पर मैथ्यू और केट की जोड़ी में जेम्स को वो वाला तड़का नहीं मिला जो वो चाहते, इसलिए उन्होंने अपनी तलाश जारी रखी। केट के बहुत ज्यादा कहने पे आखिरकार जेम्स कैमरॉन ने ये रोल लियोनार्डो डिकैप्रियो को सौंप दिया। शिप में आपको इधर उधर घूमते जितने भी आपको कैरेक्टर्स देखे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल 150 कैरेक्टर्स को प्रॉपर बैक स्टोरीज और नेम दिए गए थे, और इन कैरेक्टर्स को हिस्टोरिकली एक्यूरेट दिखाने के लिए इन्होंने पुराने अखबार पुराने आर्टिकल्स का बहुत इस्तेमाल किया और उनसे इंस्पायर्ड होकर अपने कैरेक्टर्स को डेवलप किया। ऑफकोर्स मूवी को किसी ओशन में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े जायंट टैंक में फिल्माया गया, इसलिए एक बहुत बड़े होरिजन टैंक जिसकी कैपेसिटी 17 मिलियन ऑफ गैलन्स वाटर तक थी उसे एक ठंडे पानी से भर दिया गया। ठंडे पानी में ज्यादा देर शूटिंग करने की वजह से केट विंसलेट को निमोनिया तक हो गया। द रोज और डैनियल शो के दौरान कास्ट ने ये तक रिवील किया कि ठंडे पानी से निकल के बार बार वॉशरूम को इस्तेमाल करना काफी टफ होता था, इसलिए उन्होंने कई बार उसके अंदर अपना मूत्र विसर्जन भी कर दिया। अगर तो क्लाइमैक्स का वो सिंकिंग वाला सीन आपको सीजीआई और स्पेशल इफेक्ट से भरा हुआ लगा तो गलती आपकी नहीं है, क्योंकि इस सीन को फिल्माया इसी तरह गया कि क्रिटिक्स आज भी इसे सिनेमेटोग्राफी की दुनिया का मास्टरपीस मानती है। कैमरॉन इसे इतना प्रैक्टिकल रखना चाहते थे कि सब कुछ एक सीन के अंदर परफेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि उस सीन के अंदर ही सारा इंटीरियर बर्बाद कर दिया जाता, मतलब सब कुछ वैनिश हो जाता सिर्फ एक शॉट के अंदर, मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। माई हार्ट विल गो ऑन, टाइटैनिक को इस मास्टरपीस के बिना देखना इट्स हार्ड टू इमेजिन, पर क्या आपको पता है डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन इस मूवी में कोई गाना इंक्लूड करना ही नहीं चाहते थे, पर जब सेलिन डियोन ने ये गाना डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन के सामने रखा तो वो इसे ना कर ही ना पाए, आखिर कैसे कोई कर पाता ना यार। क्या हो अगर आपको वक्त की सबसे महंगी मूवी बनाने को मिले और उसके सक्सेसफुल होने के काफी कम चांसेस हो, ऑफकोर्स आप बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे, और क्योंकि कैमरॉन भी एक इंसान है कोई एलियन तो है नहीं,
अफकोर्स वो भी काफी प्रेशर में आ गए। मूवी की मार्केटिंग के दौरान कास्ट ने रिवील किया कि कई बार सेट पर कैमरॉन काफी ज्यादा रूड हो जाते थे, बल्कि वो अपने क्रू को काफी कई बार धमकियां तक देते थे कि अगर किसी से कोई गलती हुई तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। अगर हम मूवी में यूज हुए उस शिप के मॉडल की बात करें तो लगभग इसे भी असली टाइटैनिक के इतना ही बड़ा बनाया गया। बस इसके लाइफ बोट्स को ओरिजिनल से 10% छोटा बनाया गया और इसके एक हिस्से को पॉपअप हिंज पे रखा गया ताकि क्लाइमेक्स के उस सीन के लिए इसे टिल्ट किया जा सके। मूवी के शायद सबसे इम्पैक्टफुल एलिमेंट में से एक ये दरवाजे का टुकड़ा। फिलहाल तो इसे मैरीटाइम म्यूजियम ऑफ अटलांटिका में रखा गया है, पर मूवी के रिलीज होते ही ये शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला एलिमेंट बन गया। लोग आज तक इस बात पे बहस करते हैं कि क्या उस फट्टे पे जैक और रोज दोनों बच सकते थे। इस बारे में आपका क्या जानना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। टाइटैनिक को क्रिटिक्स और जनता दोनों का प्यार झोलियों भर भर के मिला। $200 मिलियन पे बनी ये उस वक्त की सबसे महंगी मूवी होने के साथ साथ इसने $2 बिलियन कमा के उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी बनी। इसे 11 अकेडमिक अवार्ड्स भी मिले और टाइटैनिक ने लव स्टोरीज की दुनिया में एक अलग ही बेंचमार्क सेट कर दिया। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तो आपको ये वीडियो 1% भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें आने वाली वीडियोस के लिए सजेशंस देना। ऑब्वियसली हमारा चैनल नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।